इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 6 फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यह फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में होता है। और इस डायग्राम की हेल्प से हम फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस डिस्कस करेंगे, किन स्टेजेस में इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो स्पर्म सबसे पहले एग के कांटेक्ट में आता है और जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है तो इसमें जो एक्रोसोम होता है जो स्पर्म का, वह बस्ट हो जाता है और कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोटीएजेस होते हैं और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ज़ोना पेलुसिडा में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करेंगे और एक टनल जैसी एक बना देंगे, जिस टनल के थ्रू जो स्पर्म है वह ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके और एग मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। तो जब यह स्पर्म एग मेम्ब्रेन तक पहुंचता है तो स्पर्म की ये मेम्ब्रेन और जो है वह एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और स्पर्म अपना न्यूक्लियस एग में रिलीज कर देता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, तुरंत ही जो ओवम में पाए जाने वाले ओवम की जो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पेरिफेरी पर अंदर की तरफ ये कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ओवम की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और ये जो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ये केमिकल्स अब ज़ोना पेलुसिडा को, पूरी ज़ोना पेलुसिडा को हार्ड कर देंगे ताकि कोई फर्दर, कोई दूसरा जो स्पर्म है वह इस ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट ना कर पाए। तो जैसे ही पहला कोई स्पर्म अपना फर्टिलाइज करता है एग को, तो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, यानी कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं और ये ग्रेन्यूल्स ज़ोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं ताकि कोई फर्दर, कोई दूसरा स्पर्म भी इस ओवम के साथ फ्यूज ना हो जाए। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस स्लाइड में हमने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समराइज किया है, पॉइंट्स में हमने बताया है। एक दो बातें अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे कि जब हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है तो ये फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होता है। इस रीजन को हम एम्पुलरी स्थमिक रीजन कहते हैं। तो लगभग इस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी ये पॉइंट्स आप अपने यूज़ करिए, अपने नोट्स बनाइए इनसे और एग्ज़ाम्स और टेस्ट में इन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए। इस स्लाइड में हमने एक टर्म यूज़ किया है, पॉलीस्पर्मी। इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि एक से ज़्यादा स्पर्म अगर एक ओवम के साथ फ्यूज़ करते हैं तो उसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। अगर ये कंडीशन कभी भी नेचर में होती है तो जो रिजल्टेंट जाइगोट होगा वह मल्टीप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड की जगह वह मल्टीप्लॉइड हो जाएगा और ऐसा जाइगोट तुरंत ही डीजनरेट हो जाता है और उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो नेचर पॉलीस्पर्मी को डिस्करेज करता है, कुछ इस तरह के प्रोविज़न है जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। तो वही जो अभी हमने कॉर्टिकल रिएक्शन बताया था कि जैसे ही पहला स्पर्म फ्यूज़ करता है ओवम के साथ, तो ओवम में मेम्ब्रेन के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वह तुरंत ही ओवम की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे ज़ोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है और ये हार्ड ज़ोना पेलुसिडा अब फर्दर किसी दूसरे स्पर्म के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ हम ये चौथा पॉइंट अपने स्टूडेंट्स को और एक्सप्लेन करते हैं जो हमने डायग्राम में नहीं एक्सप्लेन किया था। डायग्राम में हमने सिंप्लिसिटी के साथ सारे स्टेप बताए थे कि जैसे ही पहला स्पर्म एंटर होता है तो ये जो इस समय भी जो जो एग है वह सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पर है। ऊजेनेसिस जब हम पढ़ाते हैं तो ये बातें अपने स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में बताते हैं। तो ये सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पर में ही मौजूद है अभी। तो जैसे ही पहला स्पर्म एंटर होता है तो ये सेकेंडरी ऊसाइट अपनी मियोसिस सेकेंड स्टेज को कंप्लीट करके हैप्लॉइड ओवम बना लेता है और अभी सेकेंडरी पोलर बॉडी भी रिलीज होगी। तो अब जो स्पर्म अपने न्यूक्लियस को डोनेट करेगा वह न्यूक्लियस इस हैप्लॉइड ओवम के साथ फ्यूज होगा और एज अ रिजल्ट एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा।
तो केवल सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पॉइंट को डायग्राम में नहीं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर इकट्ठी बताई जाएं तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।